हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार, वालेकुम सलाम। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हूँ कि मैं हूँ प्रीति चीमा। मैं इंडिया से हूँ और ओमान के कैपिटल मस्कट में पिछले 12 साल से रह रही हूँ। और ये ब्यूटीफुल सी सिटी है मस्कट, जो कि यहाँ की बीचेस और यहाँ के माउंटेन, यहाँ का व्यू इसको अमेजिंग विजिट प्लेस बना देता है। जब भी कोई यहाँ आता है तो इससे प्यार ज़रूर करता है, इस सिटी से हो ही जाता है, जैसे मुझे हो गया। और गाइस, ये हूँ मैं, एक घरेलू औरत दिख रही हूँ लेकिन मैं एक वर्किंग वूमेन के साथ मदर हूँ। और ये मेरे दो प्यारी सी प्रिंसेस हैं मेरी। मॉर्निंग का टाइम है, ये अभी उठेंगी और हल्ला गुल्ला शुरू कर देती हैं मॉर्निंग में। और मेरा वर्किंग आवर स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग 6 o'clock से। और ये मैं आज कुछ इनके फेवरेट पकवान बनाऊंगी, और आगे देखिएगा कि क्या क्या बनाऊंगी। और अर्ली मॉर्निंग मैं यहाँ, बालकनी है ये मेरे घर की जहाँ पे मैं सुबह की शुरुआत करती हूँ अपनी। और यहाँ से बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत लगता है, फ्रेश एयर मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर इन्जॉय करती हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन है मेरा ये। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बताती हूँ आपको अपनी कुछ हॉबीज़, जिसमें एक मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बॉटल आर्ट। और मीन्स घर को सजाना, डेकोरेट करना। ये मैं कॉफ़ी बार बनाया है, आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे इसको मैं डेकोरेट किया, और अपनी किचन का नया मेकओवर भी देखेंगे। काफ़ी सारे ऐसे व्लॉग्स भी आएंगे मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड। और ये है पिज़्ज़ा, बच्चों की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। सो मुझे दोनों तरह के फूड, मीन्स नॉर्थ इंडियन, ये जैसे परांठे स्टफ्ड और जो भी नॉर्थ इंडियन फूड होता है वो तो मुझे आना ही है, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, नॉर्थ इंडियन हूँ, तो वो मुझे आता है अच्छे से। लेकिन इसके अलावा मैंने साउथ इंडियन फूड भी बहुत अच्छे से बनाना सीखा है, बिकॉज माय हस्बैंड इज़ साउथ इंडियन। सो हम दोनों कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल मखनी, और देखते हैं कैसी बनती है, बच्चों की फरमाइश है। सो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि मुझे मेकअप, फैशन, ब्यूटी ऐसे भी बहुत शौक़ है। और आज मैं स्पेशली इस वीडियो के लिए पंजाबी लुक क्रिएट कर रही हूँ। सो ये है मेरा फुलकारी वाला बहुत खूबसूरत सा ड्रेस, जिसको मैं अभी पहनूंगी सो आपके सामने फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, मुझे अपनी खुद की कंपनी भी बहुत अच्छी लगती है। सो सुबह की रूटीन के साथ ही मैं आज सारा दिन में क्या करूँगी ये सारी रूटीन मैं बना लेती हूँ। सो दिस इज़ मी प्रीति, और मैं हूँ अपने पंजाबी ट्रेडिशनल सूट में। और अपना कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑफकोर्स पंजाबी हूँ। इसके अलावा मैं मॉडर्न मॉम भी हूँ, मॉडर्न लेडी भी हूँ, तो मैं फैशनेबल कपड़े पहनना भी मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरे लिटिल क्यूटी पाई, दोनों का एरोबिक का टाइम हो गया अर्ली मॉर्निंग, तो दोनों थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अपनी रूटीन शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मेरी काफ़ी सारी इंट्रोडक्शन तो मिल चुकी है। और ये मैं हूँ, जिस दिन भी वीकेंड होता है, जहाँ फ्री टाइम होता है, तो मैं इस तरह से बीच पे एंजॉय करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों के साथ चली जाती हूँ, वहाँ पर हम लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। आजकल लॉकडाउन है तो कम जाती हूँ। सो गाइस, चल रही है जल्दी से, मैं आपको थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देती हूँ। मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, एक्चुअली 6 or 7 years मैंने यहाँ पे इंडियन स्कूल मस्कट में टीचर थी। तो मेरे हस्बैंड साउथ से हैं और उनकी अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, वो फिनांस में हैं। और मैं इससे पहले काफ़ी सारी यूरोप कंट्रीज़ में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में विज़िट कर चुकी हूँ, नियर अबाउट 20-25 कंट्रीज़ आई विज़िटेड। लेकिन कभी नहीं सोचा यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए, लेकिन अभी जब माइंड में आया तो मैंने सोचा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी शुरू कर लेते हैं। सो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया। इसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी यहाँ के बारे में, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहना, खाना पीना, या यहाँ का रेंट कैसा होता है, यहाँ पे घर कैसे होते हैं, सैलरीज कैसी हैं, वर्किंग आवर्स कैसे हैं, यहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में मिल जाएगी। और दुबई और ओमान और गल्फ़ कंट्रीज़ का सारा आपको डिटेल भी मिल सकती है आने वाले टाइम में।
इवन यूरोप कंट्रीज़ के भी काफ़ी सारे व्लॉग्स वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद किसी को हेल्प मिल जाए इस वीडियो के थ्रू तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।